नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं देखती हूँ कि आपका सेपरेशन क्यों हुआ, क्या वजह रही थी आप दोनों के सेपरेशन की। ठीक है, चेक करते हैं रीडिंग। एक कार्ड तो निकल ही गया है। आप दोनों का सेपरेशन क्यों हुआ और क्या वजह रही आप दोनों के सेपरेशन की। देखिए कार्ड दिखाई दे रहे हैं तो बताइए मेरे को। तुम्हारे सेपरेशन की वजह क्या रही है? इंसान तुम्हें बाहर की तरफ से तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट हुआ और ये इसमें इस रिश्ते में फिर इस इंसान ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। ठीक है, और ये प्यार को तुम्हें ऐसा करके दिखाया कि ये तुम्हारा पता नहीं कितने जन्मों जन्मों का कनेक्शन है, कितने जन्मों से तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। ये इस रिश्ते में तुम्हारे लिए निकल के आया। ठीक है, क्योंकि ये इंसान बाहर की तरफ से अट्रैक्ट हुआ, तुम्हारी बाहर की सुंदरता से अट्रैक्ट हुआ और इस तरह से ये बातचीत तुम्हारी उतनी इसके साथ नहीं हुई होगी, लेकिन अट्रैक्शन इसको जो हुआ वो तुम्हारी बॉडी के उससे हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें प्यार बहुत आ गया और उसके बाद हुआ ऐसा कि जो लड़ाइयाँ थी वो विन बजे होने लग गई। ये इंसान तुम्हें नीचा दिखाने लगा हर एक बात पे और जितना तुम्हें पेन होता था उतना ही ये इंसान खुश होता था। इस तरह की एनर्जी है। तुमने इसके ऊपर पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए, पैसे में तुमने इसकी मदद की, जो कुछ तुम्हारे पास था तुमने सब इसको 100% दिया और इसका तुम इंतज़ार करती रहीं ये कब सही फैसला होगा, कब सही वक्त होगा, जब ये मुझे अच्छी तरह से कमिटमेंट देगा, अच्छी तरह से मुझे मेरे प्यार को समझेगा, कब वो समय आएगा। आखिर वो समय आ गया और आ गया। ऐसा आपने सोचा कि कल आ जाएगा कि आज आ जाएगा, लेकिन इसके वही चाल रही इसकी और वही ये माइंड से गेम खेलता रहा, वही ये चतुराइयाँ दिखाता रहा। सच्चाई के ऊपर इसका जो चालाकी का पर्दा था वो इसने डाला हुआ था, सच्चाई को इसने कभी नहीं दिखाया और हमेशा माइंड गेम खेलता रहा और ये रिश्ता एक टॉक्सिक बनता गया। ठीक है, और इसमें इतना डिप्रेशन हो गया इस रिश्ते में और आपको इसकी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी आपको ज़्यादा रहे, मेंटल डिस्टर्ब आप रहे और आपने एंड में फैसला लिया कि जब मैंने इतना सब कुछ इसके लिए किया तो क्यों ना जो फैसला था वो तुम्हारा एकदम मूव ऑन होने का, बिल्कुल मूव ऑन होने का। कुछ डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गई हैं कि इस रिश्ते के बारे में अब नाम तक लेना नहीं चाहती हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इसमें। क्योंकि हो सकता है बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन इतनी तंग इतनी परेशान हो गई हैं इस व्यक्ति से कि इसको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल कट आउट कर देना चाह रही हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ से जा रही हैं ये। ठीक है, लड़ाई झगड़े फसाद बदतमीज़ी बिन मतलब की बातें यहाँ पे जो की गई हैं मुझे ऐसा दिख रहा है। और आपने जो फैसला लिया है इसके साथ, जब भी बोलती हैं अब कड़वा बोलती हैं और आप इसके साथ मीठी बातें अब करना नहीं चाहती हैं और इसीलिए ये एनर्जी का जो समय है वो आपको आपके लिए यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी बातें आपके अंदर जो छुपी हुई थी प्यार को लेके, इसके लिए प्यार आपके अंदर छुपा हुआ था वो आपने निकाल दिया। ठीक है, अब आप अपने ही घर में खुश रहना चाहती हैं, अपनी ही फैमिली में खुश रहना चाहती हैं और इसमें जो पास्ट की जो एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, जो पास्ट में रही होगी कि इसने आपके घर पे जो है ग्रहण लगा दिया था इस इंसान ने, कि दुख एक ऐसा दुख आपके अंदर डाल दिया था कि आप ना तो चैन से सो पाते थे ना आप चैन से खा पाते थे और ये इंसान ना तो ठीक से आता था और ना ही ये ठीक से जाता था। इसने आना जाना लगाया हुआ था और ठीक से अपने दिल की बात भी नहीं बताता था। और इसके दिल में अब क्या चल रहा है, ये इंसान अभी होल्ड हो गया है, बिल्कुल पूरी तरीके से रुक गया है। अब एक भी देख लेते हैं इसके दिल में क्या है आपके लिए, इसके दिल में क्या है, ये खुद फंस गया है। ठीक है, इसके दिल में क्या है, इसके दिल में ये अपन ये सोचता है कि मैं जब मर्जी जाऊँगा वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी,
तो यही गलती मत करना आप बार बार, ठीक है। इसको एक्सेप्ट नहीं करना है आपने, ये आएगा तो इसे जाने देना, ठीक है। बैठो, उठो, चाय पानी पियो और फिर चलो भाई निकलो यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। और जब तुम ऐसा करोगी तो ये पूरी तरीके से इसकी ये चालाकी जो इसने दिखाई है, इसको ये समझ आएगी कि इसने इस प्यार को गवा दिया, इसने इतना प्यारा स्पिरिचुअल कनेक्शन इसने गवा दिया और हमारा इतना प्यारा रिश्ता था, मैंने इसमें दाग लगा दिया, इस तरह की एनर्जी टू ऑफ कप्स के कार्ड है, ये सारी समझ इसको पास्ट की आ जाएगी जब आप इस तरह से इसके साथ बिहेवियर करेंगे। इसके साथ आपने कोई डेविल एनर्जी नहीं दिखानी है। इस इंसान ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आपको तड़फाया है इसने, ठीक है। दूसरों के साथ करके या दूसरों को चूज़ कर करके आपको इसने बहुत ज़्यादा पेन दिया है। तो ये इसकी, यही इसकी एक दवाई है जो मैं कह रही हूँ आपसे, अगर ये आता है तो इसको ज़्यादा मुँह लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन इस जगह पर पहुँच चुकी हैं कि वो अब बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन को अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रीडिंग में तो यही निकल के आ रहा है, बाकी आप देख लेना, अगर नहीं मैच कर रही है तो कोई बात नहीं, मैच कर रही है तो कमेंट ज़रूर कर देना। आज मुझे चैनलिंग ही इस तरह से हुई है तो मैंने बता दिया आपको। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।